अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा जी, कैनल पर पहुंच चुके हैं और आज की सारी एक्टिविटी बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं जी चेतन साहब से। चेतन साहब जो हैं जी, नखरे करने लग गए हैं। फीमेल जहांगीर साहब ने इसी केज में डाल दी हुई थी जी पहले, जो काजल है उसको इधर डाल दिया हुआ था, तो उस फीमेल ने यहाँ पे, वो हीट पे थी, ये उसकी वजह से अब तंग कर रहा है। और खाना शाना जो डाला था वो भी नहीं इसने सही तरीके से खाया, उसी चक्कर में के बस मुझसे अब क्रॉसिंग करवाओ और सब कुछ। ये देखें जी, ये जी आहिस्ता आहिस्ता देखें जी, इस केज के अंदर बिल्कुल इंजॉय करने लग गया है बच्चा जो है। उसको कुछ देर हम अकेला रखते हैं, उसके बाद दूसरे पपी को साथ छोड़ते हैं इसके। इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें जी आप इसका हरकतें देखें। ये जी यहाँ ऊपर आराम से चढ़ जाता है और देखता रहता है सब कुछ। देखता क्या रहता है, देख तो सकता नहीं है, लेकिन ये है कि अब इसको पता लग गया कि यहाँ से बाहर आते हैं इस जगह से, तो वो काफ़ी देर से यहाँ उसने खोला छोड़ा हुआ है गर्मी में, धूप में। अभी तो धूप भी तो कम होगी, एंड पे ही रह गई है थोड़ी सी। ये देखें जी, जोरो मैडम को हमने इस तरफ कर दिया हुआ है, खुला छोड़ दिया हुआ है। ये देखें, ये देखें जी, शाबाश शाबाश शाबाश। दांत देखें जी इसके, देखें बदतमीज के दांत चेक करें आप, और इसके काम चेक करें आप। इसका डर है जी बड़ा, घर पे तो से यहाँ आ गई है, दरवाज़ा हमारा बड़ा नाजुक सा है, कहीं तोड़ के इधर ना आ जाए। सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो इसको, ये जो अपना ही बच्चा नज़र आएगा ये अंधा, ये उसको भी मार देगी। हाँ क्या है, पीछे चलो पीछे चलो, मुंह ना फंसा लेना यहाँ पे अपना, चलो। ये देखे जी, ये बच्चा जो है ना चेतन की आवाज़ सुन के सेंस कर रहा है कि यहाँ से आवाज़ आ रही है। ये देखें जी आप, वो भी वही आवाज़ें निकाल रहा है जो चेतन निकाल रहा है, और चेतन साहब जो है ना वहाँ से जोरो निकालती है आवाज़, यहाँ से ये वाली ऊँ लगाई हुई है इन दोनों ने। क्या हो गया? बस बस खामोश। वो देखें जी, वो उधर से ऊँ ऊँ करती है, इधर से ये ऊँ ऊँ शुरू कर देता है, और तीसरा ये, तीनों सीख, तीनों ऊँ लगे हुए करने। आ रही आवाज़ जी पीछे से, खुला खुली छोड़ दी हुई है जी पीछे, बांध के नहीं रह सकती वो, चोक चेन निकाल लेती है, उसके बाद फिर जितनी देर चोक चेन में रहती है शोर मचाती रहती है। ये जी दोस्तों, बस बस बस, ये दही लस्सी बनाई है इसके लिए, चेतन के लिए। उसके अंदर ये थोड़ा सा ओवर एस मिक्स कर लिया, मिक्स कर ले इसको अच्छे तरीके से। वैसे आम रूटीन में हम इसके अंदर अंडे की सफ़ेदियाँ भी ऐड करते हैं, लेकिन आज वो नहीं दे रहे हम, आज हम इसको अभी ऐसे ही दे रहे हैं। ये जी गुरनाम जी को लस्सी डाल दी है, लस्सी अभी ये बिल्कुल नहीं छोड़ते, पी लेते हैं सारी उसी टाइम, जैसे अभी निकलेंगे ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा सारी। ये जी दोस्तों, चेतन साहब लस्सी सारी पी गए हैं, और इसकी वजह से थोड़े से नखरे किए हैं, अगली बार से और इसके साथ सफ़ेदी लाजमी डालेंगे, लेकिन बस ये किसी बच्चे में बाकी सारी जनाब जो पी गए जी। दोस्तों आज ही इस पिंजरे के अंदर जो है ना, इन दोनों को हमने बंद कर दिया, ये बड़े दिनों से काबू नहीं आ रही थी इनको बंद करना है, क्योंकि इन क्रॉसिंग हो रही है, इनके अंडों का पता नहीं लगेगा। अभी जी चेतन को बाहर लेके जा रहे हैं, वीडियो शीडियो बनाते हैं चेतन की आज रोज़ की बात के हिसाब से। ये जी दोस्तों, चेतन साहब आ गए हैं जी बाहर वॉक पे, और वो बांदरी भी आगे से आ गई है जी, जो चेतन के साथ खेलती है जी। अच्छा इसको कुछ नहीं कहता, इसको कुछ नहीं कहता ये। ये देखें जी, ये चेतन साहब के करीब आ जाती है और चेतन साहब इसको कुछ भी नहीं कहते। ये देखें आप इनकी मस्तियां चेक करें आप।
वाह, साइड पे हो जाओ जी। ये जी चेतन साहब जो है ना बाहर वॉक करने का बहुत ज्यादा ठरकी है जी ये। अच्छा वो आगे नहीं आती, वहीं रहती है। नहीं आज नहीं आई है, इधर इसके तो नीचे ऊपर सही थी। क्या चक्कर है, क्या सूंग रहे हो? ये देखे जी इसको, ये जी वापस जाने के टाइम पे इसको ड्रामा शुरू हो जाता है इसका। चेतन चलो, रिवर्स गियर चोक करो जी, वापसी की टाइम पे इसको दौरे पड़ने लग जाते हैं। चलो चलो चल चल चल, शाबाश गुड बॉय। ये जी वो देखे जी कैनल हमारा यहाँ से अच्छा खासा दूर है, करीब नहीं है। ये जी चेतन साहब को हमने वॉक करा के लिया है और अभी हमें सो वो सब कुत्तों को हमने स्प्रे कर दिया हुआ था, बाकियों को इसको भी स्प्रे करने लगे हैं, वो टिक्स वाला जो स्प्रे होता है वो हम गर्मियों क्योंकि मौसम आने वाला है तो उससे पहले हम शुरू कर देते हैं। इसको भी आज पहली बार ही करने लगे हैं तो देखते हैं कि इसका कैसा रिएक्शन भी आता है और क्या चक्कर है। वो देखें जी उधर से जोरो मैडम बिल्कुल सुकून नहीं कर रही। डीजल साहब को हमने आज टेल बोन डाली थी, वो जो छोटा सा एक पीस रह गया वो उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें वो बाद में करेंगे। ये जी आपको दिखा देते हैं, ये देखें जी ये टेल बोन है जी, ये हमने इसको दे दी और ये शुरू हो गया। एक पीस ऐसा पूरा खा चुका है ये, अभी ये दूसरा पीस स्टार्ट हो गया जी इसका। आज इसको सिर्फ यही डलेगा, खाना नहीं डालेंगे आज। कैचिंग देखें जी आप इसकी, बाकी ये चेतन साहब को जी दवाई लग रही है, सबको लगा दी थी हम इसको पहली बार, ये भी लगा रहे हैं तो स्प्रे का कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं मना रहा वो। ये तितलियों के ऊपर अटैक चल रहे हैं साथ साथ, बहुत कीड़े हैं जी इसको जो तंग करते हैं, सुकून बिल्कुल नहीं देता। एक तो जवानी का कीड़ा है, पता नहीं वीडियो में साइज साइज के बारे में इसका सही आइडिया होता है कि नहीं होता। बहरहाल ये बहुत बड़े साइज का डॉग है। ए ये जी इसने एक तो राग फीमेलों की वजह से शुरू किया है ना, वो देखें जी उसको, इसको देखें, इसको देखें। अभी ये मिनटों के अंदर ना ये पूरी टेल बोन जो है ना ये खा जाएगा। जिस दिन हम ये डालते हैं उस दिन हम खाना नहीं डालते जी, और ये खाली हम छोटों को नहीं डालते बड़ों को नहीं डालते। ये जी मुर्गों का तितलियों का मेरा दुश्मन है जी। कर कर इसे आराम से कर, कुछ नहीं होता। बस बस खत्म हो गई है दवाई, नीचे टांगों शांगों के नीचे हर जगह लगा दे, पंजों पे लगा दे। गुड बॉय, क्या हो गया जी?
Bye. Good boy. Madam बस कर बस कर, ज़रा इसको अब 4-5 मिनट इधर रहने देते हैं, उसके बाद इसको साइड पे लगाएंगे। ये जी डीजल साहब को जो अभी आपके सामने मैंने हड्डी डाली थी उसके एंड रह गया बस, बाकी सारी खा गया। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।